Hello friends, welcome you all on my YouTube channel on environmental science. आज हम इकोलॉजी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो UGC NET दिसंबर 2018 में पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखते हैं क्वेश्चन। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम इज 1000 एंड इट्स ग्रोथ रेट इज 0.9 per year. The carrying capacity of the ecosystem is 10,000. Assuming a logistic growth for the population of the species, what is the maximum sustainable yield of the ecosystem? इसके चार ऑप्शन दिए थे 5,000, 250, 500, 2,500. यह क्वेश्चन यूजीसी एनटीए ने ड्रॉप किया था क्योंकि उसका रीजन था कि इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, मगर हमने इसे सॉल्व किया है और दिखाते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था लॉजिस्टिक इक्वेशन इसमें फॉलो हो रही है, तो हमें निकालना है मैक्सिमम यील्ड। तो मैक्सिमम यील्ड निकालने के लिए पहले हम देख लेते हैं हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें मैक्सिमम यील्ड का फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो है dN / dt मैक्सिमम इज इक्वल टू आर नॉट के स्क्वायर डिवाइड बाई 4k-n0, जहाँ पे आर नॉट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एन नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन और के हमारी कैरिंग कैपेसिटी। तो ये हमें सारी वैल्यू आर नॉट हमें गिवन है जो है हमारा 0.9। यहाँ पे दोस्तों आर नॉट है 0.9 पर ईयर, के हमें दिया है कैरिंग कैपेसिटी 10,000 और पॉपुलेशन साइज हमें दिया है 1000 स्पीसीज। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आर नॉट की वैल्यू मिली है 0.9, इसमें 10,000 का सारी वैल्यू रखे 10,000 स्क्वायर, के की वैल्यू डिवाइड बाय 10,000 माइनस 1000 मल्टीप्लाई 4, जो इसका आंसर है 2500 स्पीसीज पर ईयर, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी और टॉपिक में किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।